गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये बात कितने किलोमीटर? 11.5 दिखा रहा है ये तो। अच्छा, 11 चले होंगे, इतना भी नहीं, 11 चले होंगे। आप तो ढाई और ढाई 5 किलोमीटर कह के ले गए। नहीं सर, 4 कुछ है, 4 पॉइंट कुछ है आना जाना, मतलब एक तरफ का। और फिर क्या है, लोकल साइट पे भी तो हम चल रहे हैं ना, कैंप साइट पे, वो भी काउंट हो गया होगा। कभी खाना खाने आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो ठीक है, बढ़िया हो गया। चैन सा पड़ रहा था वो बैठ के। कह रहे हैं कि 3 दिन के गोल मेट हो गए हैं तुम्हारे। ठीक है, जब से कैंपिंग पे है ना हम, तभी से काम पूरा हो रहा है, गोल हो रहे हैं, वरना नहीं हो रहे थे। अभी हम खाना खा के निकले हैं भैया विशाल हिल कैफे से, और अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ियों की तरफ जहाँ पर हमारा सारा सेटअप है। तो सर की तो पूरी चाल ही चेंज होगी, सर आपकी तो पूरी चाल चेंज होगी पीछे से ना। चाल ही चेंज होगी आपकी दोनों। तो अभी भी यहाँ से नीचे पहुँचते हैं पहले, और नीचे जाके देखते हैं कि किसकी गाड़ी में कैसा सेटअप है, वो आपको दिखाते हैं। शुरू करेंगे थार से, जो भी यहाँ 3-4 गाड़ी है पूरी तैयार हुई, वो पूरा सेटअप आपको दिखाएंगे इनके। अभी चलो शुरू करते हैं, अभी दिखाते हैं सर आपको मानव भाई की गाड़ी। मानव 2000 के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका। बोटल होल्डर, कप होल्डर, कंपनी देती नहीं महिंद्रा। इंजन बहुत कारगर था, बंद कर दिया कंपनी ने, वो BS6 की वजह से कर दिया। इस पे रूफटॉप टेंट 4 पर्सन। कितने का लगवाया था ये? ये ऑटो, हाँ, 280 में, 280 मतलब जितने की गाड़ी है उससे प्लस इसकी थार तो ऐसी है। आप 17 लाख की ले आओ, 27 लाख लगा दो उसमें। 12 लाख की गाड़ी ली थी मैंने, और उसके ऊपर 14 लाख रुपए उसके ऊपर लगा चुका हूँ मैं। अलग से गाड़ी, अलग से ये तो फिर 30 लाख की गाड़ी होगी सर। तभी तो बोलती है मुँह से कि हाँ मैं कुछ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हार्ड टॉप तो लोग 1 लाख रुपए में लगा लेते हैं, 2.5 लाख रुपए तो बहुत होता है। हाँ हाँ, प्लास्टिक का तड़ेर खा जा, खराब हो या चढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं होगा ना शिनू, इसके अंदर कुछ ही नहीं है, इसके अंदर पूरा, कितने आदमी चढ़ जाओ, कितने बैठो, ऊपर फोटो खिंचाओ, कुछ करो। मेरी अच्छा भी है, थोड़ा अलग सा है ना, अलग सा है सबसे ना। ये हार्ड टॉप से बोलते हैं हमर शेप, हमर से हमर गाड़ी आती है ना, हमर में बिल्कुल स्ट्रेट वो वाला हार्ड टॉप। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ एक ये कैंपिंग का ट्रैवलिंग का लीगलाइज्ड सिलेंडर, एंटी ब्लास्ट कहते हैं इसको। सर ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, इसमें कुछ खास है? लाइक एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, दिस इज बेसिकली दे कॉल इट एंटी ब्लास्ट। तो ये आप ट्रैवलिंग के लिए ही परमिसेबल है, ये लोहे वाला जो घर में होता है वो अलाउड नहीं है। ओके, ये प्रॉपर फ्रिज है ये। ओके, और इसको एक्सेस करने के लिए ये स्लाइड आउट हो जाता है। ओके, और 35 लीटर्स है, 35 लीटर्स काफ़ी सामान है इसमें। सो बेसिकली ये जो आपने मॉडिफिकेशन जो है ये कहाँ से करवाई है? ये मेरे दिमाग के ऊपर है, खोलना सर एक बार मैं भी, बट ऊपर दिमाग के, लेकिन करवाई कहाँ से? ये मेरा अपना कारीगर है जो मेरे साथ 15 साल से जुड़ा हुआ है, जो मेरे घर के काम करता था। ओके ओके, अच्छा उसी से बनवाया सारा, तो कारपेंटर बेसिकली। हाँ कारपेंटर, वो बेसिकली उसके पास एक फैक्ट्री है अपनी। अच्छा, वो लकड़ी का काम करता है, एक्चुअली इंटीरियर का काम करता है बेसिकली, ही हैज अ फैक्ट्री अपनी। ये डिज़ाइन कहाँ का सर? आप डिज़ाइन तो आपने किया होगा? डिज़ाइन मेरा है सर। तो कहते हैं कि आपको चूल्हा चाहिए खाना बनाने के लिए, डबल बर्नर स्टोव, आपने डबल बर्नर स्टोव है, वेरी गुड वेरी गुड। ये अपने पास एक सिंक है, ओके, जिसमें आप सब्जी धो सकते हो, फ्लेक्सिबल सिंक हो गए, और फल फ्रूट धो सकते हो, और ये एक्चुअली 2-in-1 है, 3-in-1 है बेसिकली, हाथ पाथ धोने के लिए भी है, और इसको फ्लैट कर दिया तो ये आपका चॉपिंग बोर्ड भी है। ओके, यहाँ चॉप कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है जी। अच्छा, कैंपिंग में जब हम जाते हैं आउटडोर्स में हवा बहुत चलती है,
तो आपका ये फ्लेम स्टेबल नहीं होता, ये अभी गंदा है क्योंकि अभी खाना बनाया था। तो इससे प्रूफ मिल रहा है कि ये यूज भी होता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगाया। तो फ्लेम को आप स्टेबलाइज करने के लिए फिर मैंने ये बनवाया अलग से, अलग से ये इस पे बिल्कुल फिट आ जाता है चारों तरफ। ये क्या जीआई का मटेरियल है? ये स्टेनलेस है। ऐसे सर, ओके ओके, जिससे ट्रंक वगैरह बनते हैं। हां हां, ये इस फ्लेम को स्टेबल कर देता है फिर आप, क्योंकि हवा चलती है ओपन में तो फिर खाने बन जाते हैं। उसके बाद वेट ले लेता है। हाँ, वेट ले लेता है। इसके नीचे ये सपोर्ट है अलग से। उसके बाद जी आपको चाहिए मसाले। वाह जी, खुला पटारा, असली पटारा तो ये है। ठीक है जी, ये है भाई पिटारा, इसमें सभी तरह के मसाले हैं, चाय कॉफी का सामान सब कुछ आ गया इसमें। ये बेसिकली किचन की पेंट्री है और घर में जो जो आपको मिले चाहिए होता है वो सब मिलेगा इसमें। वेरी नाइस। अच्छा, पूरा ड्रॉअर एक ये। अब जैसे आपको अभी यूज नहीं हुआ लेकिन बेसन पड़ा हुआ है, ये ब्रेकफास्ट के पैकेट्स पड़े हुए हैं, ये सूखी मिर्च पड़ी है तड़के वड़के के लिए, ये टमाटर रखे हुए हैं, ये मूंगफली रखी हुई है और इसी में कुकर आ जाता है। ये बर्तन जो यूज है इसी में, एक 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 बर्तन बड़ा इसमें आ गया और एक बड़ा बर्तन इसमें आ गया। ये कटलरी सारी इसमें आ जाती है मेरी, चाकू छुरी कांटे सब आ गया, करछी वर्छी सब, चिमटा सब आ गया। और ये जैसे अंडे रखने हैं ये भी आ गए, ये भी इसी में आ गए। ओके, जगह बहुत है इसमें। और एक ऊपर मेरे को खाना दिख रहा है छोटा वाला, ये रखा है जी चावल जो आज बनाया। वेरी गुड। ये रखी है जी दाल, अगर चाहिए हो किसी को दाल बनाओ। पूरा घर बसा रखा है आपने? हाँ जी। और एक ऊपर जो खाना छोटा वाला दिख रहा है ये जो खाना ये एक्स्ट्रा है, ये टिडबिट्स के लिए आपकी, जैसे ये फ्लेम है। ओके, और कोई एक्स्ट्रा मसाले, मीट मसाला, चिकन, ये सब रखे हैं, टिशू रखे हैं, टिशू रोल एक मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, ये यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के लिए होंगे। ये एक्स्ट्रा बेल्ट रखी हुई है कभी ज़रूरत पड़े। ओके, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो इस फ्रिज में ये बेल्ट लगानी पड़ती है ताकि उछले ना, तो वो ऑलरेडी ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ये ऊपर से चढ़के लॉक हो जाती है। Okay. तो वही वाकई में ज़बरदस्त सेटअप कर रखा है सर ने यहाँ पे, जो गाड़ी है इनकी एक्सयूवी, इसमें गैस वगैरह किचन वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, रूफटॉप टेंट मिलेगा रात को सोने के लिए, और गाड़ी है महिंद्रा एक्सयूवी 500। और ये इधर खड़ी है मानो भाई की गाड़ी, ये सुलेस्टर की गाड़ी और मीन मशीन आदि भाई की गाड़ी, और ये अमन भाई की गाड़ी, ये सभी भाई ऑफ रोडर तो हैं ही, साथ में कैंपिंग ओवरलैंडिंग सभी कुछ करते हैं। हमारी जो अपनी गाड़ी है वो खड़ी है ये, और यहाँ पे जो अभी मीन मशीन जिनका चैनल है आदि भाई, वो अभी ड्रोन शॉट ले रहे हैं। खा भी लिए, सो भी लिए। जब आप सुबह उठते हो तो आपको मतलब नेचर कॉल आती है, आपको फ्रेश होना ज़रूरी है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर आपके साथ, स्पेसिफिकली अगर आपके साथ फीमेल ट्रैवलर हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? उसके लिए क्या होता है कि एक हमारे पास ऑलरेडी एक पर्सनल टेंट कह लो, हाइजीन टेंट कह लो, वो हम लेके चलते हैं, वो फोल्डेबल है, कोलैप्सिबल है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके साथ क्या है कि मेरे पास एक कमोड भी है, वो भी कोलैप्सिबल है। ओके, तो वो मैं दिखाता हूँ, ये वो टेंट है। अच्छा, तो ये आपने पूरा इसको टॉयलेट बना रखा है? ये टॉयलेट। ओके, देखिए जी, आपने सिर्फ खाने तक का नहीं है, जब आप कैंपिंग के लिए आते हो, ओवरलैंडिंग के लिए आते हो, तो आपको हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, खाने के बाद सामान को निकालने के लिए भी सेटअप चाहिए। ओके, बस इसके अंदर एक बैग लग जाता है जो कि बायोडिग्रेडेबल। ओके, वो मतलब हानिकारक एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। ओके, और इसको फिर आप कैसे डिस्पोज ऑफ? इसको फिर हम या तो फिट खोद के ओके उसमें डाल देते हैं, तो वो बैग पूरा डिकम्पोज हो जाए। ओके,
खाद बन जाते हैं लोगों के, मतलब आप नेचर की सेवा भी कर रहे हो इसे और बिल्कुल साफ सुथरा रखना जरूरी, बहुत गंद नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने आपके बारे में और आपकी पूरी ओवरलैंडिंग जो आप पूरी कैंपिंग करते हो, कैसे आपका सोचते हो, कैसे आपके बारे में आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नॉर्मल वो नहीं है एल्यूमिनियम या प्लाई या कुछ, फिनिशिंग देखते हैं, ये स्पेशल मटेरियल की फिनिशिंग है, ये इसलिए की जाती है, जैसे वो मैं कह रहा हूँ ना टेंट, मैंने आपको बोला पानी खींचता है नीचे से, मॉइस्चर आ जाता है, इसमें भी होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, मैं सो रहा हूँ गद्दे पे, गद्दा हो गया गर्म, टेंट के नीचे हवा चल रही है वो हो गया ठंडा, तो ये बीच का हिस्सा पानी मॉइस्चर से गीला हो जाता था, तो हमने स्पेशल ये मटेरियल लगाया हुआ ताकि गद्दे वगैरह गीले ना, फुल एक्सपीरियंस वाला मतलब। और ये चीज़ ऐसे है चाइना ने नहीं करके दी है, मैंने बोल के करवाया फैक्ट्री में, तो हाँ हमारा सामान आता वहीं से है बन के, पर अपन अपडेट्स कराते रहते हैं। जो आइडिया है तो ये ओवरलैंडिंग को इजी करने के लिए काफी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बना हो सकता है, ये इसकी लेग्स है दोनों सपोर्ट के लिए, जल्दी से आपने बस लेग्स स्क्रू इन हो जाता है। हाँ ओके। और यहाँ आपका ना कुकटॉप आ जाएगा, आप चाहे आपके पास वो 5 लीटर वाला सिलेंडर एलपीजी का कैसा भी कुकिंग स्टोव है आप यहाँ रख सकते हैं, जैसा भी आपके पास है, जैसे मेरे को ब्यूटेन वाला है तो वो भी रख सकते हैं। बट ये क्या फायर प्रूफ है? हाँ जी, फायर प्रूफिंग के लिए ना मैं दिखाता हूँ, यहाँ साथ में ना लोग एक पैड प्रोवाइड करते हैं, ये पैड आता है, ओके, ये कम्प्लीटली फायर प्रूफ पैड है। अच्छा, तो आप इसके ऊपर रख लो, नीचे से हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे तो ये वाली लेयर है ना, ये भी फायर प्रूफ है, आग नहीं पकड़ती है, पर जस्ट ये डबल प्रोटेक्शन के लिए ये है फायर प्रूफ है। ओके। फिर आपका ये चॉपिंग बोर्ड हो ही गया, इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ ना तो ऐसे डबल हो जाता है टेबल। हाँ, तो वर्किंग एरिया बढ़ गया आपका, वर्किंग एरिया बढ़ गया। हाँ, अब आपको वर्किंग एरिया के साथ साथ कई बार हो जाता है ना, आपने सब्जियाँ धो के रखनी है या बर्तन धो के रखे हैं वो सुखाने हैं, तो उसके साथ अपनी एक एक्सटेंडेबल टेबल और है, इसमें भी लेग्स हैं, इधर दोनों लेग लग जाएंगी और आप इसको बस यहाँ साइड में लगा दीजिए, तो ऐसे खड़ा रहता है। okay. तो गीले बर्तन वगैरह सब्जी वगैरह रख दी तो पानी नीचे ड्रेन होता रहेगा। okay. और आपका हो जाएगा, और नीचे ना अंदर बहुत सारी स्पेस है, तो अब आपको अपने कुकिंग के लिए जो भी बेसिक सामान है, अच्छा, आप अपनी ग्रोसरी वगैरह सब यहाँ रख सकते हो या एक दो बर्तन भी आ सकते हैं अपना कुकिंग कैंस, जैसे मैं कैंस लेके चलता हूँ ब्यूटेन की, तो आप इसके अंदर कैंस लेके सब, तो अब ये ना एक फिक्स हो गया कि किचन इसमें है, ऐसे मैं अलग अलग ना बक्से बनाना प्रेफर करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपकी ट्रिप खत्म हो इसको आप निकालो, बिल्कुल आप इसको घर ले जाइए, ये क्लीन हो जाएंगे घर में, बर्तन क्लीन हो जाएंगे, जो चीनी दाल आटा यूज हुआ वापस इसमें थोड़ा डाल लिया, अगली ट्रिप के लिए तैयार हो गया बक्सा, अगली ट्रिप पे बस लेके चल देना है बॉक्स को। तो इससे ये भी फायदा होता है ना, क्योंकि सब अंदर बंद रहता है ना, तो थोड़ी खड़खड़ाहट चीजों की गाड़ी में अंदर कम आएगी जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। और अच्छा, मतलब प्राइस क्या रहेगा सर? ये 35,000 का सेल करते हैं हम इंक्लूडिंग जीएसटी, और खाली जब ये होता है तो इसका वेट बहुत कम है, 8 किलो जब खाली होता है। हाँ, ये और सर जो आपने अनिरुद्ध सर की गाड़ी पे रूफटॉप टेंट लगाया है, वो 3% है 2% है? वो 3% है सर, 2% बता रहे थे अभी सर, वो 3-2 है, वो वाली बात है सर, को दो में ही कंफर्ट आ जाता है। तीन एडल्ट्स, जो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड साइज होता है जो टेंट्स में यूज होता है, वो होता है एक स्लीपिंग बैग, कितने स्लीपिंग बैग्स के साथ कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो 3% टेंट है। बट वो एक इंडियन वो वाला होता है ना कि हम लोग तो थोड़ा खुल्ला सोते हैं, वो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो वो 2%। तो जो 2% है उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी 4.5 फीट है सर। हाँ, और लंबाई में 6 फीट है वो, 6x4.5 और 6 से थोड़ा ज्यादा है, हेडरूम ज्यादा मिल जाता है, 6 फीट के लेंथ में गद्दा है, गद्दा उसके अलावा भी थोड़ी सी पीछे और जगह बच जाती है, आप अपना पिलो वगैरह वहाँ रख सकते हैं। और ये वाला जो आपके लगा है ये इसको 4% टेंट बोलते हैं सर। हाँ, इसका जो गद्दा है अंदर वो 6x6। हाँ सर, क्या है ना, अगर आप स्लीपिंग बैग में आ गए तो 4 बंदे आराम से उसके अंदर आ जाते हैं। वेट कैरिंग कैपेसिटी की बात है, स्पेस की बात है, स्पेस अच्छा है उसके अंदर, 4 बंदे सो, हमने तो उसे किया हुआ है कई बार, हम 4-4, 5-5 लोग भी सोए हैं 4% के अंदर। वो तो हमने देखा आपको बैठे हुए 4% बड़े आराम से, 4 बेड तो बहुत खुले खुले जाते हैं, हम तो सोए भी हैं 5-5 लोग, हम तो 3% में 4 लोग सोए हैं सर। मैं, जितेंद्र, विकास, नहीं विकास नहीं था, ये धर्मेंद्र और मनोज, छोटे वाले टेंट में सोए हम तो।
जो आरी भाई वाली गाड़ी पे लगा हुआ टेंट वो, हाँ जो आरी भाई पे लगा है वो वाला भी वही है जो अनिरुद्ध जी के पास है, वो सेम साइज है। हाँ सेम साइज है। एक और जो हमारा प्रोडक्ट है सबसे छोटा वाला, वो 2% टेंट है, वो वेज शेप टेंट बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम का बना है। इसमें जैसे जो टॉप कवर है वो प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक है, उसमें एल्यूमिनियम है सब कुछ। ये मेरे को लग रहा है आपने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की गाड़ियों पे भी टेंट इंस्टॉल किए हैं, मैंने देखा सर। हाँ कुछ तो सर, जैसे हमारे फ्रेंड्स है कोई है तो उन्होंने यूज किया है हमारे लाइक हेल्प करने के लिए, शो करने के लिए। कुछ लोगों ने परचेज भी किया हुआ है। मैंने सौरव जोशी वाले ब्लॉग में देखा। हाँ सौरव जोशी की गाड़ी पे थार पे भी है, उन्होंने हमारे डीलर के थ्रू लिया था। अच्छा तो सर ये कुछ चीजें हैं, मतलब ये सब हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बिना ओवरलैंडिंग नहीं होती। हाँ नहीं वो तो आज आए हुए हैं सर, उनकी ओवरलैंडिंग हो रही है ना, उनके पास रूफटॉप टेंट है ना किचन है, बट धीरे धीरे जब उनको इस चीज में अच्छा मजा आने लगेगा ना, तो ही विल लाइक टू इन्वेस्ट इनटू मोर कंफर्ट। स्टेप बाय स्टेप जो भी सर, जब एक पहले ड्रीम होती है ना सिर्फ घर ले लें भाई, फिर उसके बाद अब यार बड़ा टीवी चाहिए, अब चाहिए किचन मॉड्यूलर चाहिए, वो बाद में होती है चीजें, पहले बेसिक आपको पसंद आना चाहिए। ये स्टाइल ऑफ जो एक्सप्लोरिंग है ना, ये आपको पसंद आना चाहिए। ये हो जाएगा फिर आप धीरे धीरे अपने बजट के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से धीरे धीरे चीजें वो है सिंपल है। तो सर एक बात और बताओ, जो ये रूफटॉप टेंट है इसका प्राइस कितना है 4% का? सर 4% वाला हम सेल करते हैं 180,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड फिटिंग, और इससे छोटा जो अनिरुद्ध जी के पास है या आदि भाई के पास है वो है 165 का इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड फिटिंग, और जो सबसे छोटा वाला है वो है 135 का जो इंक्लूडिंग टैक्सेस। इस टाइप में खुलता है 2% वाला। अभी जो गाड़ी आ रही है मारुति की नई जिम्नी, उसके ऊपर भी रूफटॉप टेंट लग सकता है? सर मैंने ना जिम्नी में क्या है, इंटरनेशनल मार्केट्स में मैंने देखा है जो जिम्नी है उसके साथ वो यूज करते हैं। अभी जिम्नी में क्या होता है सर, साइड में ना पूरी स्टार्ट से पीछे तक पिलर ABC पीछे तक अगर आप जाओगे ना तो उसको बोलते हैं वाटर चैनल, एक रेन चैनल जैसे बलेरो में आता है। हाँ लगा हुआ उसमें, ऐसे नहीं कर्व सा होता है, वो शुरू से लेकर एंड तक होता है। वो जो वाटर चैनल या रेन चैनल बोलते हैं वो आपकी चैसी का पार्ट होता है और वो बहुत अच्छी वेट ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सारा वेट डाल दो आप 100-200 किलो, उसमें बांटो अलग अलग जगह, क्रॉस बार लगेगी उसमें, छेद नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस बार आती है ग्रिप करने वाली, वो आप अपन 1-2-3 लगाएंगे क्रॉस बार, वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके ऊपर टेंट रखिए तो हैंडल होगा आराम से, गाड़ी को कोई डैमेज नहीं, कोई ड्रिल करके वारंटी वॉइड नहीं करनी आपको गाड़ी की, वो इजिली हो जाए पॉसिबल है। तो ये जैसे टेंट लगाते हैं इसमें कोई चलान वगैरह का कोई डर तो नहीं रहता है पुलिस वगैरह? सर आपको सही तरीके से फिटिंग करनी है, पहली बात जब आपका टेंट बंद है गाड़ी से बाहर नहीं लटकना चाहिए हवा में, पीछे से बाहर नहीं आना गाड़ी चाहिए, के डायमेंशन से बाहर नहीं, हाँ गाड़ी के डायमेंशन से बाहर नहीं आना चाहिए, गाड़ी की डायमेंशन जो मिरर टू मिरर काउंट हो रही है उसी के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने अगर गाड़ी में छेद कर दिया रेलिंग के लिए टेंट लगाने के लिए, तो उसका मतलब है आपने, अब ये चैसी का पार्ट है, चैसी की जो स्ट्रेंथ है वो कम कर दिया आपने, एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी की एक्सीडेंट में किसी की डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप गाड़ी से मॉडिफाई छेड़खानी मत कीजिए, तब तक आप लीगल है। ये है वही अमन भाई की गाड़ी, वाले सेशन में भी आपको बताया था, बट द थिंग इज वी हैव टू रिकॉल इट। ठीक है जी, तो आपको जो है सबसे पहले अपने टायर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, टायर एक मेजर पार्ट है और सबसे पहले चीज होती है जी वो जो रोड के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद बाकी फैक्टर्स आते हैं। सबसे मेजर पार्ट है आपको टायर चूज करना है। अब हमारे इसी साइट पे एम्प्टी टायर भी अवेलेबल है, ऑल टेरेन भी अवेलेबल है जी, ऑल टेरेन एक जियो लैंडर का आ रहा है, ठीक है जी, और एक अपने आदित्य भाई ने डाला हुआ है BF कुटरिच, सो इट इज़ अ US बेस्ड ब्रांड जो कि इंडिया में काफ़ी सबसे कॉस्टली जो टायर है वो BF गुडरिच ही है, और इसकी सर मैं एक चीज बताऊंगा, ये ब्लैक मार्केटिंग होती है, आपको इजीली मिलेगा ही नहीं। ये है अपने आदित्य भाई, इनकी वो मीन मशीन है, बंदे मीन नहीं है बट मशीन मीन है इनकी। बंदे तो बढ़िया है। वो दो इशू जो हमारे पास खड़ी हैं और दोनों अल्टीमेट लग रही हैं, और उनका तो एक्चुअली जो आपने बोला कि ब्लैक तो होगी, टायर का लुक देख के अलग ही फील आ रहा है उसका, तो वो जी ऑल ट्रेन में काफी अग्रेसिव टायर है, अगर हम उसकी बात करें थ्रेड्स की तो वो आपको दिख ही रहा है कि काफी अग्रेसिव है, और वो उसकी असली जो कैपेबिलिटी है वो 3-4 हज़ार चलने के बाद आपको निकलती है, 3-4 हज़ार तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, आपको लगेगा कि वो सही है, उसके बाद जो ग्रिप निकल के आती है इसकी, और वो टायर जी मतलब कि बहुत मुश्किल है उसको वर्न आउट करना। सुना है एक एक लाख के, हाँ एक एक लाख के तोड़ देते हैं। तो जी अब इसमें भी चीजें हैं कि वो थोड़ा सा टायर जो है उसकी गुड़ियां मड़ी है तो वो साउंड करता है,
अच्छा ठीक है जी, उसकी नॉइस आती है, उसकी साउंड है ओके। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आपको साइलेंट पसंद है तो उसकी थोड़ी सी नॉइज है, पर परफॉर्मेंस में नो डाउट ही बेस्ट है। यस, वो ब्रांड ही अपना विनर रहेगा क्योंकि वो बाहर रैली होती है सर, तो उसका चैंपियन है वो, और हर गाड़ी में वही यूज होता है बीएफ गुडरिच ही, उसका एम्प्टी टायर भी आते हैं। बट अभी आजकल हमने देखा गुडियर का भी जैसे ऑल टेरेन टायर आ रहा है, गुडियर का लग के आ रहा है, रेंगलर आता है, हाँ जी मैक्सिस का 980 सर गुड ऑप्शन है अभी मार्केट में, बट उसका भी ऐसा है क्योंकि वो भी सेम पैटनर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बीएफ गुडरिच है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कैपेबिलिटीज है उसकी, और प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है। ओके, तो उस रीज़न की वजह से आई हैव ट्राइड जलंधर में, पूरे पंजाब में और चंडीगढ़ में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब उसकी भी जो है ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई है। ओके, पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना बी एफ गोडरेज ले लो, मैक्सिस ले लो, ठीक है। अब ये पहली बात, इनमें कोई प्रॉब्लम वैसे यूजली आती नहीं क्योंकि उसका थोड़ा हार्ड कंपाउंड है, ठीक है जी, वो तोड़ेगा, वो थोड़ा रफ यूज करने वाला है। और साइलेंट प्रोफाइल के लिए योकोहामाज है जी, पर इनकी एक बेस्ट चीज मैं बताता हूँ आपको, कंपनी वारंटी दे रही है, अगर ये टायर फटता है तो रिप्लेस होगा। ओके, तो कितने, 3 साल की या 2 साल की देते हैं? 2 साल की वारंटी होती है जी, अगर आपने फाड़ दिया तो दे विल रिप्लेस इट, उसका जो है जस्ट आपका जो भी आपने जितना भी ड्रिवन वो होगा वो दे विल चार्ज यू, दैट्स इट, उसके बाद वो टायर जो है हो जाता है। उसके अलावा सर कोई भी कंपनी जो है ओल्ड ट्रेन की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं दे रहा, हाँ बी एफ गुडरिच भी नहीं देता, हाँ मतलब वही इम्पोर्ट हो रहा है, वैसे भी इम्पोर्ट होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है तो कैसे देंगे। थैंक यू सर, हमारी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करने के लिए। होप करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा और उनकी नॉलेज में कुछ एनहेंसमेंट हुई होगी। थैंक यू।